हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम फोटोशॉप में आगे की जो इतना टूल्स के बारे में मैंने जो पढ़ लिया था, जो इससे पहले वाले वीडियो में जो बता दिया था, अब उससे आगे का डिस्कस करते हैं। देखते हैं उसकी आगे की जो टूल्स होते हैं उनका क्या काम होता है। मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बताया था, कल के वीडियो मैंने आपके जो यहाँ पर आपको मूव टूल के साइज में दिख रहा होगा, मूव टूल के साइज में क्या दिख रहा है, मूव टूल के साइज में आपको जो मार्क्यू टूल्स दिख रहा होगा, जिसका मैंने नाम बताया था मार्क्यू टूल्स, जिसमें आप जैसे यहाँ पर बोला था मैं, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आइए राइट क्लिक। पहले हम देखिए क्लिक करने से, इसको एक्टिव करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके बारे में बता दूँ। देखिए मैं कह रहा था कि आपको यहाँ जो ऑप्शन में बहुत बार बताया हूँ कि देखिए यहाँ पर दिख रहा है न्यू का कनेक्ट, मतलब मैं बताया था कि अगर आप अपने फोटोशॉप में कोई भी काम करेंगे, यानी कि कोई भी वर्क करेंगे, फ़ोटो एडिटिंग करेंगे या फिर किसी टूल्स का उपयोग करेंगे, तो उसी टूल्स के बारे में जानने के लिए आपको एक लेयर की आवश्यकता होगी। विदाउट लेयर के आप उसके टूल्स के बारे में काम करके यानी वर्क करके जान नहीं सकते हैं। जब तक लेयर रहेगी तभी उसी पे काम करेंगे और जानेंगे कि इस टूल्स का क्या उपयोग है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस बताया था कि ये जो लेयर क्रिएट करने का जो बॉक्स आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, मैं आपको बताया था आप इसको लाने के लिए कंट्रोल प्लस एन, यानी कंट्रोल के साथ आप एन का प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एन जैसे आप प्रेस करेंगे, यानी जैसे कंट्रोल के साथ एन आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका ये न्यू ऑप्शन खुलेगा जिसमें आप यहाँ से न्यू अपने जो लेयर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो नहीं मैं ये बताया था, दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा मैं ये बताया था कि आप यहाँ फाइल मेनू में जाइए और यहाँ पर आप एक न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें कंट्रोल प्लस यानी इसका सर्च कर देखिए बताया हूँ, यहाँ से भी आप अपनी माउस की मदद से क्लिक करके इसको क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ अपनी अकॉर्डिंग आप उसका नाम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक नाम देता हूँ, मान लीजिए मैं देता हूँ यूनिक ऑनलाइन गुरु, ठीक है, क्या दिया यूनिक ऑनलाइन गुरु। और यहाँ से मैं बताया था कि आप इस जो प्रीसेट साइज है यहाँ से अपनी जो लेयर क्रिएट करेंगे उस लेयर के अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिस हिसाब से जिस साइज के चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। और लेने के बाद क्या बोला हूँ, आगे बताया था कि उसका विड्थ हाइट रेजोल्यूशन बताएगा और ये जो बताया था मोड उसका होता है, यहाँ पे जो कंटेंट उसका जो होता है वाइट कर दीजिए, बैकग्राउंड जो वाइट हो जाए, ठीक है। और करने के बाद क्या कर दीजिए, ओके जैसे आप करेंगे आपका एक सामने एक इसका लेयर ओपन हो जाएगा। मैं आप देखिए बैकग्राउंड कह रहा है, इसका बैकग्राउंड भी है, इसको मैं बताया था अगर बैकग्राउंड से हमें लेयर में कन्वर्ट करना है के लिए तो क्या बताया था मैं, बैकग्राउंड को लेयर कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था भाई, बैकग्राउंड को लेयर कन्वर्ट करने के लिए मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अगर यहाँ पर तो आज भी बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर क्रिएट करने के लिए यानी जो बैकग्राउंड है इसको लेयर में क्रिएट करने के लिए क्या बताया था, यहाँ पर आइए बैकग्राउंड पे, इस लेयर वाले ऑप्शन पे आइए, बैकग्राउंड वाले पे यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, माउस से डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करते ही आप कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस ओपन होगा जहाँ आप लिखा होगा न्यू लेयर, यानी कि न्यू लेयर क्रिएट करना है, आप यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लीजिए। देखिए क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, लेयर में बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब चलिए आगे का वीडियो, अब आगे का हम देखते हैं कि आगे में क्या बताया था, अब आ जाइए यहाँ पर टूल्स बारे में, मैं यही पढ़ा रहा था ना, टूल्स के बारे में बता रहा था कि एक एक टूल्स के बारे में बताऊंगा, हर एक टूल्स का डिस्कस कराते चला जाऊंगा, उसके बाद आपके मेनू के बारे में बताते चला जाऊंगा, उसके बाद आपको फोटो एडिटिंग यानी कि फोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाना चालू कर दूंगा, कि क्योंकि विदाउट टूल्स के बारे में कौन सा टूल्स का क्या काम होता है, फाइल में कौन से ऑप्शन का क्या काम होता है, ये जाने बिना अगर आप फोटो एडिटिंग करना शुरू कर दें तो भाई आप फंस सकते हैं। उस फोटो एडिटिंग करते समय मानिए आपको पता चले कि फ़ोटो क्रॉप करना हो, आपको मालूम ही नहीं है किस टूल से आपको फ़ोटो क्रॉप करना है, आप क्या करेंगे, एक ही टूल्स का प्रयोग करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इसके बारे में जाने रहेंगे कि किस टूल से मतलब क्या काम होगा, तो आप क्या करेंगे, फ़ोटो जो भी एडिटिंग करना रहेगा, फ़ोटो में जो भी आपको एडिटिंग करना रहेगा, जो भी चेंजिंग करना रहेगा, आप धड़ाक से वही जाएंगे वहाँ से और तुरंत कर लेंगे, है कि नहीं, है ना।
तो चलिए मैं कल के वीडियो में आपको, इससे पहले वाली जो वीडियो था उसमें मैंने आपको, मुझे जो मार्क्यू टूल दिख रहा है, मैंने इसमें राइट एंगल मार्क्यू टूल के बारे में बता दिया था। मैं बताया क्या था कि राइट एंगल मार्क्यू टूल जो होता है ये हमारे किस फॉर्म में काम करता है। राइट एंगल नाम से ही पता चल रहा है कि ये चतुर्भुज के रूप में सिलेक्ट करेगा ये, क्योंकि मैं बताया था जो मार्क्यू टूल सिर्फ सिलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये किसके रूप में सिलेक्ट करेगा, ये राइट एंगल के रूप में यानी चतुर्भुज के रूप में सिलेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे आप आइए, माउस को राइट लेफ्ट क्लिक कीजिए और ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ड्रॉ करते ही आपका राइट एंगल फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। और मैं क्या बताया था इसमें, बताया था आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए मैं क्या बताया था, कलर फिल करने के लिए मैं बताया था कि आप कलर फिल करने के लिए दो चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। क्या बताया था, आप यहाँ पर जाइए और क्या कीजिए, ये जो पैंट बास्केट टूल्स है इसको लीजिए और यहाँ से आप कोई भी एक कलर यहाँ पर जाइए जो आप कलर बड़ा दिख रहा है, पैंट बास्केट टूल्स लीजिए, एक्ट कीजिए। उसके एक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाइए और यहाँ से कोई भी एक कलर अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए और लेने के बाद क्या कीजिए, इसको यहाँ पर ला के कलर फिल कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा कि कलर फिल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना कलर फिल। इस तरीके से आप कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मानिए कि कलर को हटाना है तो हटाने के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड यानी अंडू का सहायता ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड से मैं बताया था कि अंडू करना है, इससे आप बैक जा सकते हैं। हट गया कि नहीं ना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सर यहाँ बैकग्राउंड कैसे डिलीट किए हैं, मैं भाई बैकग्राउंड चीज़ को पहले सेलेक्ट किया हूँ। देखिए मैंने इसको लेयर, अगर आपका यहाँ पर लेयर बैकग्राउंड में कलर जो बैकग्राउंड लेयर का आप जो लेयर क्रिएट करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड वाला रहेगा, ये वाला ध्यान दीजिए माउस वाला, ये जो माउस अपना पॉइंटर में करो, अगर यहाँ बैकग्राउंड रहेगा तब मैं उसके अगर बैकग्राउंड को यहाँ डिलीट करूँगा तो वो नहीं आएगा क्योंकि यही कलर ले लेगा। दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए, आ जाइए वो भी दिखा देता हूँ। इसको हटाइए, क्या करूँ, एक न्यू लेयर क्रिएट कीजिए, मानिए एक यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट किया ना। अब देखिए यहाँ आने के बाद क्या करूँगा, मैं आपको बताया हूँ कि अगर ये बैकग्राउंड लॉक है ना, यानी ये लेयर में नहीं है, ये बैकग्राउंड में, अगर इसमें मैं मार्क्यू टूल्स को राइट एंगल मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करके इसको एक्टिव करता हूँ, अब मैं बताता हूँ, अब इसके बैकग्राउंड को बताया था कि डिलीट करने के लिए आप डेल बटन दबाइए। जैसे डेल बटन दबाएंगे यो जो कलर इसमें दिख रहा है यही कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए इसको कन्वर्ट कीजिए, बैकग्राउंड में इसको सेंड कीजिए, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, इसको बैकग्राउंड में सेंड कर दीजिए और डिलीट बटन दबा दीजिए। आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, आया ना। यानी कि आप यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में देख लीजिए, इसका भी कलर एक ले लीजिए, क्या ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक कलर फिल कीजिए, इसमें भी देखिए कलर आ गया। अब यहाँ से कर देंगे ये बगल, देखिए ये यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये चेंज होती जाएगी, और यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा, मैं यहाँ पे करूँगा वहाँ पे चेंज हो रही है, वहाँ भी चेंज हो रही है, यहाँ भी चेंज हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले बैकग्राउंड में इसका क्या किया था, रेड किया था तो रेड आया ना, अब इसके बैकग्राउंड में क्या कर दिया, ये बैगनी वाला कर दिया ना। अब ये कलर करने के बाद मैं अब फिर डिलीट यानी कीबोर्ड का जो डेल बटन है उसको प्रेस करूँगा, अब देखिए वो बटन आ गया ना। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसकी बैकग्राउंड डिलीट हो रही है और बैकग्राउंड में कलर आ जा रही है। लेकिन मैं अगर यही इसके बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट कर दूं तब डिलीट करूंगा, तब इसके बैकग्राउंड में एक कलर नहीं आएगी, तब इसके बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा, उसका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर ये बैकग्राउंड डिलीट नहीं हो पा रहा है, एक कलर ले रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करने के बाद क्या है, इसको ओके कीजिए। अब देखिए ये लेयर से किसी में कन्वर्ट, बैकग्राउंड से किसी में कन्वर्ट हो गया, लेयर में कन्वर्ट हो गया ना। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे इसको देखिए, अभी इसको मैंने इसके बैकग्राउंड में रेड को भेजा ना, अब यहाँ पर आप डेल बटन प्रेस कीजिए, देखिए क्या आपका वो कलर आता है, नहीं आएगा भाई, अब ट्रांसपेरेंट आएगा। आ गया कि नहीं आ गया, आया ना। अब यहाँ पे इसके बैकग्राउंड नहीं आएगा, अब इसके बैकग्राउंड को डिलीट कर देगा, ट्रांसपेरेंट रूप में आ जाएगा, आ गया ना। अब देखिए, अब इसमें जब कलर फिल करना है तो इसमें कलर फिल करने के लिए आपको ये पैंट बास्केट टूल की यूज करनी पड़ेगी, इसका हेल्प, इसको हेल्प लेनी पड़ेगी, इसकी हेल्प से आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। पेंट बास्केट टूल्स का उपयोग कीजिए और यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको जो कलर लेनी है उस कलर को अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए, ओके कीजिए और करने के बाद यहाँ पर लाके क्लिक कर दीजिए। देखिए कलर किया कि नहीं कलर किया ना। तो इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं, आप लेयर में कन्वर्ट करके, आप लेयर अगर लेयर में कन्वर्ट करके उसके बैकग्राउंड को डिलीट करके उसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं।
अगर आप बैकग्राउंड रूम में कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको पेंट बास्केट टूल्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पे कलर कीजिए जो अभी आपको कलर लेना है, और क्या कीजिए इसका बैकग्राउंड को चेंज करते रहिए और इसमें कलर फिल कर दीजिए, हो जाएगा ना। अब आ जाइए, मैं इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो पेंट बास्केट टूल्स जो है इसमें एक ही ग्रेडियंट टूल्स है। ग्रेडियंट टूल्स में क्या बताया था कि इसमें आप एक साथ कई कलर को मैच करके एक ही साथ आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बताया हूँ, यहाँ पर कई कलर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए यहाँ पर रेड है, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक कीजिए हुआ ओपन ना, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, मानिए मैं ब्लू ले लेता हूँ, देखिए ब्लू आया ना, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ इतना बढ़ा दूँगा, अभी इसको बढ़ाना कि यहाँ पर इतना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बढ़ गया ना। मैं मानिए एक तिरंगे की कलर लेना चाहता हूँ, तिरंगे में क्या कलर होता है, पहले नंबर सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे नंबर ऊपर ये कलर होता है, देखिए यहाँ पे कलर दिख नहीं रहा है क्या, देखिए बना लेते हैं कुछ इस तरह से कलर होता है ये, ठीक है। इसको बनाने के बाद मैं यहाँ पर ला देता हूँ, यहाँ भी जाइए वही कलर ले लीजिए, आप कलर बना सकते हैं भाई इस तरीके से कलर बना सकते हैं। जो बीच वाला होता है क्या होता है, वो वाइट होता है, वाइट होता है ना, वाइट कर लीजिए। यहाँ आप देखिए आप इस तरह कलर बना सकते हैं भाई, आपको कलर बनाना है इस तरीके से कलर बना सकते हैं, कलर आपको दिख रहा होगा, आप इस तरीके से कुछ कलर बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन होता है भाई, ग्रीन ले लीजिए, नीचे जो होता है ये थोड़ा सा मेरा नीला, बीच में नीला हल्का सा होता है वो ले लीजिए, बड़ा ना लग रहा है कि कुछ नहीं है ऐसा तिरंगे के रूप में लग रहा है ना। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए, और ओके करने बाद देखिए वही आ गया ना, अब यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए बना के नहीं बना, बन गया कि नहीं बन गया, बना ना, आप अपने जिस हिसाब से ऐसे आप जिस हिसाब से इसको ड्रॉ करेंगे उसी हिसाब से ये कलर लेगा, देखिए आप जिस हिसाब से जैसे ड्रॉ करेंगे उसी हिसाब से ये कलर लेगा, उसका फिर करेगा, कर रहा है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे कलर बना सकते हैं। ये कौन सा कलर, ग्रेडियंट लाइन कलर है, ये ग्रेडियंट टूल्स का प्रयोग करके यहाँ पे आप ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं, यानी कि एक साथ कई कलर को कंबाइन करके उसमें मैच करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आगे के वीडियो में, देखते हैं अब देखते हैं ये क्या बताया हूँ था, इसमें जो मार्क्यू टूल्स बताया था, इसका जो दो दो ऑप्शन जो यहाँ पर दिख रहा होगा इसके आगे, आपको इसके बारे में बताया था, ये जो होगा ऐड सिलेक्शन होगा, यानी कि ये ऐड करेगा, देखिए यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, देखिए और क्लिक करने के बाद क्या करेगा, ये ऐड करेगा, इसको हटा लीजिए पहले, पूरा को हटा लीजिए। देखिए फोटोशॉप में मैं अगर एक से अधिक बार आपको अंडू करना है तो उसके लिए क्या बताया था, कंट्रोल ऑल्ट और जेड बताया था, कंट्रोल ऑल्ट और जेड, देखिए हर ट्रैक नहीं हो रहा है ना, एक एक करिए, देखिए हो गया ना। अब देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ, इसका अगर प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे ऐड करेगा, ये सिलेक्शन को ऐड करेगा, ऐड किया कि नहीं ऐड किया, यहाँ भी ऐसे ऊपर बना दीजिए, ऐड किया कि नहीं ऐड किया, ऐड किया ना, इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐड करा करा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सबट्रैक्शन यानी माइनस करेगा, ये बाहरी हिस्से को जोड़ रहा था, अभी ये अंदर ही हिस्से को जोड़ेगा, देखिए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ये बाहरी और था ये अंदर, देखिए क्या कोई स्ट्रक्चर बन गया। इसमें कलर फिल कीजिए, देखिए अच्छा रहेगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसमें आइए कलर फिल करने के लिए क्या होता है था, यहाँ पर इसका प्रयोग करके आप या तो ग्रेडियंट टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं या फिर पेंट बास्केट टूल, जैसे मान लीजिए मैं ग्रेडियंट करता हूँ, यहाँ से ला कर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, इसे देखिए इसका सर कलर फिल हो गया अपने, कुछ इस तरीके से आप जो भी चाहें अपने हिसाब, अपना नाम भी इसी तरीके से सेलेक्ट कर करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्यू टूल्स के बारे में आप लोग को मालूम हो चुका होगा क्या इसका काम है, चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं। इसको डिलीट कीजिए भाई, डिलीट करने के बाद एक नया लेयर ले लीजिए, आइए एक नया लेयर लेते हैं, नया लेयर को कन्वर्ट कीजिए, फाइल में जाइए, न्यू पे जाइए और एक न्यू लेयर क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज कीजिए। अब आ जाइए, अब इसके नीचे क्या था,
एलिप्टिकल मार्किव टूल, एलिप्टिकल मार्किव टूल का प्रयोग किया हुआ था। इसके बारे में बताया था कि एलिप्टिकल मार्किव टूल जो होता है ये एक सर्किल की तरह काम करता है, ठीक है, ये सर्किल की तरह सेलेक्ट करेगा, एक गोले की तरह। आइए इसको भी देख लेते हैं, इसको लीजिए, ठीक है, और इसको लेने के बाद क्या कीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, देखिए एक सर्किल की तरह काम कर रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और इसका भी वही काम है, देखिए इसमें भी ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं आप, देखिए ऐड करके कुछ इस तरीके से कोई चीज़ आ गया और आप बनाना चाहते हैं, देखिए मैं बना रहा हूँ, आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक है, वो माउस टूल का प्रयोग करके आप इसको मूव कर सकते हैं, नहीं हो रहा, यहाँ पे जाइए आप, देखिए बीच में नहीं हुआ, इसको हटाइए पहले, कंट्रोल प्लस जेड कीजिए, हट जाएगा, कंट्रोल और जेड, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी तरह से इसका प्रयोग करके आप यहाँ से इसको बना लीजिए, हुआ, यहाँ पे इसकी आँख को देखिए, ये सबटेंशन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अंदर के हिस्से को ऐड कर रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अंदर के हिस्से को ऐड कर रहा है, यहाँ पे एडिशन इस बाहरी हिस्से को ऐड कर रहा है, कर रहा है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं, बनाने के बाद इसमें अगर कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे आप मान लीजिए मैं पेंट बास्केट उसका एक सिंगल कलर फिल करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं एक येल्लो कलर ले लेता हूँ और इसमें फिल कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक ब्लैक कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए ब्लैक कलर ले लिया, और इसके आँखें को मैं ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ, इसके आँखों में कलर, क्योंकि ये बता रहा है कि ये सब्ट्रैक्शन में इसमें पूरे में होगा, इसके आँखों में कलर अभी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें जो भी कलर फिल करना चाहते हैं भाई, अपनी कलर अकॉर्डिंग अपने कलर इसमें फिल कर सकते हैं, मानिए रेड करना चाहते हैं रेड कर सकते हैं, हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल मास्किंग टूल का प्रयोग करके आप इसमें भी चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग क्या सकते हैं बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहते हैं किसी भी टेक्सचर इलेक्ट्रिकल मास्किंग टूल इस तरह से, ठीक है, या फिर चाँद बनानी हो, कुछ भी मतलब कोई भी स्ट्रक्चर बनानी हो, आप एलिप्टिकल मार्किव टूल का प्रयोग करके देखिए, मैं बताया था आपको, पहले राइट एंगल बनाइए, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड करने का काम करेगा, ये सब्ट्रैक्शन करने का काम करेगा, यानी अंदरी हिस्से को इसमें कन्वर्ट करेगा, ये बाहरी हिस्से को कर लेगा, लिया हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप चले जाइए, कहाँ चले जाइए, इसके बाद आप आइए यहाँ पर और देख लेते हैं सिंगल रो मार्किव टूल और सिंगल कॉलम मार्किव टूल ये क्या होता है, ठीक है। इसके लिए इसका प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इसको हटाइए, कंट्रोल ऑल्ट और जेड करके इसको हटा लीजिए, मैं हटाया था अंडू करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट कीजिए, इसका हटा लीजिए, यहाँ से इसको हट करके नो कर दीजिए और एक न्यू लेयर क्रिएट कर दीजिए, हो गया। अब आ जाइए, अब मैं आपको बताया था सिंगल, ये सिंगल जो रो कॉलम होता है ये क्या होता है भाई, ये भी देखिए, ये भी जो सिलेक्ट करता है ये कॉलम की सिलेक्ट करता है और रो की क्लस्टर, लेकिन इसका टूल्स हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग देखिए, हम मान लीजिए कि कोई हम कलर यानी कि कोई हम फोटो एडिटिंग कर रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में हम कुछ इस तरीके से हम चाहते हैं कि कोई मतलब इमेज है और उसकी इमेज की जो बैकग्राउंड है मुझे पसंद आ गई, मैं चाहता हूँ कि उसके बैकग्राउंड को कॉपी करके मैं अपने बैकग्राउंड में ला के रख लूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं वहाँ पे सिंगल और रो कॉलम और सिंगल कॉलम मार्किव टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये देखिए एक कॉलम की तरह सिलेक्ट करेगा, इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, मान लीजिए एक हुआ, इसमें कलर फिल करना है, आप कलर फिल कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कोल कलर लिया मैं, कलर लेने बाद ओके किया और यहाँ पर लाके कलर फिल कर दिया और कंट्रोल प्लस टी किया, इसको एक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस टी करते हैं, एक्टिव हुआ ना। अब इसको ड्रॉ करेंगे, बड़ा
इसको यहाँ पे कंट्रोल प्रैक्टिस की एक्टिव करके, ये बना कि नहीं बना, अब यहाँ पे कलर फिल कर लीजिए, हो गया कि नहीं हो गया कलर फिल इसमें, यानी कि रो कॉलम यहाँ पे जो है रो कॉलम में उसको लिए हैं हम अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से देख लीजिए रो कॉलम को हम लिए हैं अपने अकॉर्डिंग, लिए हैं ना, ये जो रो कॉलम है इसको लिए हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको मैं मूव करने यानी कि इसको रो की तरफ थोड़ा सा साइज इसको चौड़ा करने के लिए मैं क्या बोला हूँ, कंट्रोल प्लस टी, क्या बोला हूँ, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी करके इसका प्रयोग करिए, एक्टिव करिए, और एक्टिव करने के बाद क्या कीजिए, यहाँ से आप जाइए, यहाँ जैसे आप जाएंगे कुछ इस तरह का आपका पॉइंटर बन जाएगा, और राइट क्लिक करके यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, और ड्रॉ करने के बाद क्या कीजिए, मान लीजिए इसको हम ला के यहाँ पर रख लेते हैं, रख लिए। इसमें कलर फिल करना चाहते हैं, पेंट में जाएंगे कोई कलर लेना चाहते हैं, मान लीजिए इसको पहले एक टू यहाँ से यस कर दीजिए, यहाँ से बाद जाते हैं पेंट में कोई एक कलर ले लेते हैं, फिल कर दिया ना, फिल करने के बाद क्या करूँगा, अब इसको सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल प्लस डी, कोई भी सिलेक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डी, सब भाई नोट्स करते जाइएगा साथ साथ में जो शॉर्ट करके बता रहा हूँ मैं, इसके सिलेक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी से इसके सिलेक्शन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है डिलीट, कंट्रोल प्लस डी वही काम होता है, ठीक है। अब देखिए आगे और कलर फिल करना है, इसमें क्या करेंगे, उसी रो का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे जाइए क्लिक कीजिए और क्या कर दीजिए, क्लिक करने बाद कंट्रोल प्लस टी वही काम कीजिए, फिर इसके साइज को बढ़ाइए, और बढ़ाने के बाद इसको ला के यहाँ पर सेट कर दीजिए, इसको एक टू कर एक्स कर दीजिए, और यहाँ से पेंट बास्केट टू लीजिए, और यहाँ पे आप कोई और कलर लेना चाहते हैं, मानिए रेड में लेना चाहता हूँ, रेड लीजिए, एक टू कीजिए, आप कलर फिल कर दीजिए, और इसको कंट्रोल प्लस डी करके क्या, कंट्रोल प्लस डी, भाई ध्यान दे दीजिए एक बार आपको मैं बता रहा हूँ ना, उसको लिख लीजिए, आप लोग कहीं इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी, देखिए आप इसको कहीं लिख लेंगे तो आप लिखे अच्छा होगा, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, CTRL, है ना, यहाँ से इसके साइज को मैं बता देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ, कंट्रोल प्लस डी के साथ इसका प्रयोग करते हैं, देखिए किसी टेस्ट को लिख रहे हैं उसके साइज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जाइए और इसके साइज को बढ़ा दीजिए, यहाँ पर मानिए कोई साइज देना है, टेस्ट वाले पर क्लिक कीजिए, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके क्या, कंट्रोल प्लस, क्या बोला हूँ, प्लस और डी, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके लिए, डी एल ई एस ई टी डिलीट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिलेक्ट में जाइए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिली सिलेक्ट, डी सिलेक्ट कह रहा ना, डी सिलेक्ट, यहाँ पर आइए, डी सिलेक्ट कर रहा, यहाँ पर डी सिलेक्ट होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, डी सिलेक्ट, डी सिलेक्ट, एस ई एल एल ई सी टी हो गया, डी सिलेक्ट, डी सिलेक्ट करने का मतलब जो एक बार सिलेक्ट हो, ये जो हम काम कर रहे हैं सिलेक्ट ही कर रहे हैं ना, उसको डी सिलेक्ट करने के लिए क्या बोला था, क्या बोला हूँ, कंट्रोल प्लस डी, लिख लीजिएगा भाई, कंट्रोल प्लस डी, मैं आपको एक एक टूल्स बता जैसे जैसे काम बताऊँगा, कुछ जो मैं आपका शॉर्टकट की बताते जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए, आपके लिए बेहतरीन होगा, ये रहेगा आपको आता चला जाएगा, ठीक है, अगर आप नोट नहीं करेंगे, आप वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, पता चले आप बाद में काम करेंगे उस पर तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, मालूम चल गया ना, आप आ जाइए, ये मैं इसके बारे में एक और बताया था, क्या बताया था, कि ये रो कॉलम है तो इस तरह के हम कलर बना सकते हैं, इस तरह के कुछ जो चीज़ बनाना है इस बना के हम उसमें कलर फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं बताया था कि अगर किसी इमेज, क्या बोला हूँ मैं, अगर किसी इमेज बोला हूँ कि अगर किसी इमेज में मान लीजिए कोई कलर है, उसके बैकग्राउंड की कलर को हमको यहाँ पर लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके बैकग्राउंड के कलर को लाने के लिए क्या करते हैं, मैं मान लीजिए हम यहाँ से इमेज देखिए, न्यू से हम क्या लेते हैं, एक न्यू लेयर लेते हैं, लेकिन ओपन से हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, ठीक है, आ जाइए ओपन ब्राउज़र कर लेते हैं, ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिए, यहाँ पे आइए और देखते हैं कोई फ़ोटो है इसमें,
भाई थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, इसमें थोड़ा फ़ोटो मुझे ढूंढना है, क्योंकि मैं थोड़ा मैं मुझे पता नहीं है कि इसमें फ़ोटो किस जगह रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा टाइम दूँ लगेगा, तो थोड़ा इसके लिए सॉरी, आप लोग को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये क्या आ गया भाई, ये क्या ओपन हो गया, इसको बंद कीजिए, यहाँ पर आइए, ओपन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ मान लीजिए इसी में कोई कलर लेके ले लेते हैं, आ जाइए यही ले लीजिए, ओपन नहीं हो रहा, चलिए इसमें कोई सॉरी सॉरी भाई, इसमें कोई इमेज नहीं है, ठीक है। कोई इमेज रहता तो मैं आपको डाउनलोड को बताता हूँ, मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करा दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टेंशन मत लीजिए, बस वही होता है, आप क्या करेंगे बता देता हूँ, देख लीजिए कोई इमेज ले लेंगे, ठीक है। इमेज क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, उसी इमेज पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या यही बताया था ना, मान लीजिए कि यहीं मैं एक कलर फिर कर लेता हूँ, बना के आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए यही ट्रांसपेरेंट कलर कर दिया है, ठीक है। यहाँ आप क्या किया, ये ट्रांसपेरेंट कलर कर दिया, क्यों कलर नहीं हो रहा भाई, आ जाइए इसको राइट एंगल के थ्रू इसको सिलेक्ट कीजिए, पहले सिलेक्ट कीजिए, आप मान लीजिए सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, इसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए इस कलर पर ग्रेडिंग कलर ट्रांसपेरेंट बना लीजिए, और इसको इसमें कलर फिल कर दीजिए, फिर सिलेक्ट नहीं हुआ, रिलीज सॉरी 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 सिलेक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, अब देखिए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड करके इसको अंडू कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, हो गया ना सिलेक्ट। अब यहाँ पर हम जाते हैं ग्रेडिएंट लाइन से कुछ इसका कलर पड़ लेते हैं, फिल कर लेते हैं, हो गया ना कलर फिल। अब इसको कंट्रोल प्लस, इसको डी सिलेक्ट करने के लिए क्या बताया, डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी करेंगे, डी सिलेक्ट हो गया ना कलर। अब इसकी कलर का जो ये है, इसी कलर को हम चाहते हैं कॉपी करने के लिए, तो इसके लिए मैं यहीं पर जाएंगे, कहाँ पर सिंगल रो कॉलम पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके जो ये इसकी लाइन में जो आपको सामने दिख रहा होगा, जिसको इसके लाइन में जितने कलर हैं इसको कॉपी कर लेगा, क्या करेंगे यहाँ पे, इसको क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी करेंगे, और कंट्रोल प्लस सी करके मैं एक अनदर ले यहाँ पे जाता हूँ इसके पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, आगे देखिए करने के बाद क्या किया, एक बार एक टू कीजिए, और इसके बाद देखिए क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या कीजिए, कंट्रोल प्लस भी कीजिए, कंट्रोल प्लस टी कीजिए, और इसको बढ़ा दीजिए, देखिए हो गया कि नहीं हो गया, यही बताया हूँ आपको कि कलर कॉपी करने का भी काम यही करता है, किया कि नहीं कॉपी कलर, यही कलर इसमें कॉपी करके आ गया कि नहीं। इस तरह से अगर आपका कोई इमेज जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा कलर है, इसके इमेज में आप बैकग्राउंड तो आप अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड के कलर को आप अपने अकॉर्डिंग कहीं माने डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ब्राउजर से डाउनलोड कर लीजिए, और उसको ओपन करने के बाद इस रो कॉलम को उपयोग करके आप उसको कॉपी करके अपने पिक्चर के बैकग्राउंड में आप उसको फिल करा सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मालूम या आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे एक और बचा है, क्या बचा है भाई, आगे आपका बचा है, आप यहाँ से एक लेयर कन्वर्ट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग एक लेयर ले लीजिए, मैं एक लेयर लेता हूँ, आगे लेयर, और देखिए लेयर, अब देखिए आगे मैं आपको बताया हूँ आगे कौन सा है, सिंगल कॉलम मार्किंग टूल, कौन सा है, सिंगल कॉलम मार्किंग टूल। इस सिंगल कॉलम मार्किंग टूल क्या काम करता है, ये कॉलम की तरह, ये रो की तरह काम कर रहा था ना, ये कॉलम की तरह काम करेगा। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर आ गया ना, ये ऐसे कॉलम, ये क्या था रो, ये कॉलम। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी कीजिए, और इसके साइज को बढ़ाइए, और बढ़ाने के बाद इसको जहाँ पर आप रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, और इसमें क्या कीजिए ओके कीजिए, ओके करने के बाद क्या कीजिए, यहाँ से आप जाइए पेंट बास्केट टू या ग्रेडियंट कलर कोई भी लीजिए, यहाँ पे कलर पिक कर लीजिए, ठीक है। फिर आप इसमें कुछ करना चाहते हैं, इसके पहले इसको इसको क्लिक करने के लिए इसको डी सिलेक्ट करना पड़ेगा, डी सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या बोला हूँ, कंट्रोल प्लस डी, डी सिलेक्ट कीजिए, फिर इसको एक्टिव कीजिए, फिर इसको करने के लिए क्या कंट्रोल प्लस टी कीजिए, फिर वही काम, इसको साइज को बढ़ाइए, और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ला कर रख लीजिए, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब इसको फिर क्या कीजिए, यहाँ पर आप जाइए अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो भी कलर लेना चाहते हैं
ठीक है, इसको पहले एक टू को हटाइए यहाँ पे, यहाँ पे सिलेक्शन लाइए और यहाँ से अपने जाइए यहाँ पे कोई भी कलर एक लेना चाहते हैं इसको कलर लीजिए, और कलर लेने के बाद क्या कीजिए इसमें कलर कर दीजिए, हुआ कि नहीं। फिर से डी सिलेक्ट करने के लिए क्या कंट्रोल प्लस डी, डी सेलेक्ट। इस तरह से आप चाहते हैं तो एक एक कॉलम करके आप कई कलर फिल करके कॉलम बहुत सारी कॉलम में कई कलर बना सकते कि नहीं बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में सारे मार्किंग टूल्स के, राइट एंगल मार्किंग टूल, एपिलिटिकल मार्किंग टूल, सिंगल रो मार्किंग टूल्स के क्या काम होता है सब आपको आ गया होगा। ठीक है, आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा सर भाई ये जो आप एपिलिटिकल जो रो और जो कॉलम को बताए हैं इसमें आप बता रहे थे कि इससे ऐड किया जा रहा है, इसके बारे में आप नहीं बताते हैं, नहीं बताएं इसमें भाई, वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए यही बताया हो ना, आप आ जाइए और रो रो को एक्टिव कीजिए, देखिए मैं किया कि नहीं एक्टिव, रो को एक्टिव किया ना। अब यहाँ पे इसको क्या बोला हूँ कंट्रोल प्लस टी कीजिए और इसके साइज को बढ़ा लीजिए और यहाँ पर ला कर रख लीजिए, हो गया ना। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर से मैं इसको बताते ऐड करना है तो ऐड करने के लिए क्या बोला हूँ यहाँ पर आइए, फिर से क्या कीजिए ऐसे रो एक्टिव कर लीजिए, मानिए एक रो एक्टिव कर लिया कि नहीं। अब इसको कंट्रोल प्लस डी कीजिए क्या टी और इसके भी बढ़ा लीजिए, कहाँ गया बढ़ा लीजिए और इसमें ला के एक्टिव कर लीजिए, इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए भाई। इसको एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा मैं एक न्यू आपको लेयर कराऊंगा, न्यू लेयर काम करता हूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, एक न्यू लेयर लेता हूँ और इसमें आपको बताता हूँ, आइए कंट्रोल प्लस एन कीजिए और यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू लेयर के लिए आप यहाँ पे साइज अपना लीजिए और साइज लेने के बाद ओके कर दीजिए। ठीक, आ जाइए। अब देखिए मैं यही बताया हूँ ना, ये रोल लीजिए यहाँ पे एक्टिव कीजिए, कंट्रोल प्लस टी कीजिए एक्टिव कीजिए, बड़ा कीजिए थोड़ा सा, इसको यहीं पर रखना है, यहीं पर रख दीजिए, सिलेक्शन एक्टिव कर दीजिए, हो गया ना सिलेक्शन एक्टिव। अब क्या करना है, माने इसमें कुछ ऐड करना है, ऐसे कुछ बनाना है, टी बनाना है मुझे बड़ा ऐसे। अब क्या लेंगे, इसके क्या बोलेंगे कॉलम वाला लेंगे, कॉलम को लीजिए यहाँ पर ऐसे कीजिए और इसको क्या करिए कंट्रोल प्लस टी कीजिए और इसको एक्टिव कर लीजिए। लेकिन इसके कॉलम को एक्टिव करने से पहले क्या कीजिए, इसके ऐड वाले पे क्लिक किए कि नहीं, हाँ किए हैं ना। आप कंट्रोल प्लस टी कीजिए और टी करने के बाद इसको क्या कीजिए बढ़ा लीजिए, देखिए इसको छोटा अपने अकॉर्डिंग कीजिए, देखिए ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, अब हटा लीजिए, हो रहा है कि नहीं ऐड, हुआ ना ऐड। अब अपने कलर देखिए यहाँ पे कलर फिल कीजिए, देखिए हो रहा है कि नहीं, वो ये कलर लीजिए, हुआ कि नहीं ऐड, बाहरी हिस्से को हटा के बाहरी हिस्से को ऐड, ये बैकग्राउंड वाला ये वाला कलर इसका फिल कर लीजिए, अगर इसको मैं इधर करूं अब डिलीट करूं तो ये वाला कलर आ जाएगा, आया कि नहीं। इस तरीके से आप इसको भी ऐड करके बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप कॉलम मार्केट इसका ऐड करके काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसका काम ऐड काम मैंने कब ज़्यादातर आता नहीं है, बस इसी इन दोनों का आता है, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में ये सारी जो मार्केट टूल्स थी आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में इससे जब आज जो इससे बाद में जो कल की वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे आपको ये सामने में दिख रहा होगा, इसका क्या नाम है जैसे यहाँ पर ले जाएंगे, इसका मैजिक वांडेड टूल, इसका क्या काम होता है, फिर से लासो टूल, इसका क्या काम होता है, इस सारी वीडियो आगे की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और जय हिंद।